पति के लिए लड़का के लिए किया जाता है ये व्रत, छठ पूजा और बच्चे के लिए किया जाता है, पति के लिए किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है पूजा, अच्छे से बहुत निपुण से किया जाता है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छा से किया जाता है। यही है इसका पूजा का महत्व। और क्या बोलूँ, नाम बताइए आपका। नाम मेरा संजू पंडित है। ये छठ मैया का आशीर्वाद है, जो भी सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और मैं 15-16 साल से की जा रही हूँ और बहुत अच्छे से मुझे हर फल मुझे मिला है। नाम बताइए आपका। अंजलि मेवाला लिया दो। ये सूर्य व्रत है, ये सूर्य भगवान का व्रत होता है। सूर्य डूबते और उगते का पूजा होता है षष्ठी और सप्तमी को। इसका बहुत बड़ा महत्व है, प्रहलाद के ऊपर है। ये छठ माता के नाम से जानी जाती है, सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से। अब कितने साल से छठ? हम लगभग 20 साल से छठ पूजा करते हैं। नाम क्या है आपका? हमारा मनोज कुमार शर्मा नाम है, हम बिहार से रहने वाले। मेरा नाम श्वेता त्रिपाठी है, मैं बलिया जिले से हूँ और औरंगाबाद में इस टाइम छठ कर रही हूँ। ये छठ का महापर्व 4 दिन का होता है। पहले दिन सब लोग नहाए खाए करते हैं लौकी चावल से, फिर दूसरे दिन खीर पूड़ी से अपना उपवास करते हैं, शाम को बेदी बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर सुबह अगले दिन छठ के दिन शाम को सूर्य भगवान को शाम के टाइम अर्घ देते हैं। और ये अपने परिवार को मिलाने के लिए बिहार का छठ है, यूपी बिहार का। और इसमें सब लोग उत्साह पूर्वक मनाते हैं, कष्ट दूर होता है इस छठ को करने से, परिवार में लोग आगे बढ़ते हैं। ये छठ बहुत ही सदियों से चला आ रहा है, परंपरा है यूपी बिहार का, उत्साह पूर्वक ये मनाया जाता है। और छठ मैया सबका सब पे कृपा करे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे, आशीर्वाद दे। जय छठी मैया। मेरा नाम श्वेता त्रिपाठी है, मैं बलिया जिले से हूँ और औरंगाबाद में इस टाइम छठ कर रही हूँ। ये छठ का महापर्व 4 दिन का होता है। पहले दिन सब लोग नहाए खाए करते हैं लौकी चावल से, फिर दूसरे दिन खीर पूड़ी से अपना उपवास करते हैं, शाम को बेदी बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर सुबह अगले दिन छठ के दिन शाम को सूर्य भगवान को शाम के टाइम अर्घ देते हैं। और ये अपने परिवार को मिलाने के लिए बिहार का छठ है, यूपी बिहार का। और इसमें सब लोग उत्साह पूर्वक मनाते हैं, कष्ट दूर होता है इस छठ को करने से, परिवार में लोग आगे बढ़ते हैं। ये छठ बहुत ही सदियों से चला आ रहा है, परंपरा है यूपी बिहार का, उत्साह पूर्वक ये मनाया जाता है। और छठ मैया सबका सब पे कृपा करे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे, आशीर्वाद दे। जय छठी मैया। धूमधाम से ये त्यौहार जो है यहाँ पे मना रहे हैं आप, इस पूजा का क्या महत्व है सर, क्या बताएं? पूजा का यही महत्व है सर कि इसमें सारे धर्म जात के लोग एक साथ मिल करके रहें। जो आजकल लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, तो इस त्यौहार से हमें यही शिक्षा मिलता है कि सारे लोग एक जगह एकत्रित होकर के पूजा करिए, भगवान एक हैं और आपस में कोई भेदभाव नहीं है। इसका यही महत्व है इस छठ पर्व का। राजा हो या रंक हो या पाटिल हो या जय भीम के लोग हो या जो छोटे लोग हैं, सब लोग एक जगह एक साथ स्नान करो और एक जगह पूजा करो। इस प्रोग्राम का यही, इस त्यौहार का यही महत्व है इस पूजा का।
सर इस शुभ अवसर में क्या संदेश देना चाहोगे? इस त्यौहार को देख सभी बजाज नगर निवासियों से या पूरे औरंगाबाद जिले को यही संदेश देना है दोस्तों कि आप लोग धर्म के नाम पर मत लड़िए। हमारा ये त्यौहार देख करके आप लोग सीख लीजिए और आप लोग एक साथ मिल करके पूरे औरंगाबाद जिले का विकास करिए, आपस में लड़िए मत। मेरा यही संदेश है सर। भविष्य में सर यही योजना है कि यहाँ पर हम लोग मिल करके, हम लोग किसी से चंदा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से चंदा लेकर के नहीं, जो अपने भाई हैं सब लोग 10-10 1-1 रुपए जमा करके यहाँ पर एक ई लाइब्रेरी का निर्माण करवाना है, जिससे हमारे बजाज नगर के लोग भी इन फ्यूचर में IAS IPS PCS MPSC के एग्ज़ाम को पास करें और उनसे 1 रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा। आज भी इस मैदान को डेवलप करने के लिए किसी भी पॉलिटिशियन, आमदार या खासदार, किसी से हम लोगों ने 1 रुपये का चंदा नहीं लिया है और न तो भविष्य में लिया जाएगा। क्योंकि अगर किसी से आप चंदा लेते हो, हम लोग किसी एक पार्टी से नहीं बंधे हुए हैं, हम लोग मानवता का संदेश देना चाहते हैं। हमारे लिए शिवसेना हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सारे लोग बराबर हैं। हम लोग सिर्फ मानवता को मानते हैं, यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है, इसलिए हम लोग किसी लीडर वगैरह को नहीं बुलाते इस प्रोग्राम में।